अब तक जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसमें ये पहले ज्योग्राफर हैं जिनका कोई सानी नहीं है, जिनको आप सेलिब्रिटी कह सकते हैं एक तरह से। आगे और भी सेलिब्रिटी आएंगे, लेकिन अब तक आप जितना पढ़ चुके हैं उसमें ये सेलिब्रिटी हैं। बहुत सारे मॉडर्न ज्योग्राफर्स ने इनको प्रेज़ किया है, इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। इनको मॉडर्न ज्योग्राफी का वन ऑफ द फाउंडर मानते हैं कि इन्होंने ही, मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने आधुनिक भूगोल की स्थापना की है, इनमें से ये भी एक हैं। समझ रहे हैं कौन है? अगर आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया और इन्होंने एक तरह से, हिंट दे रहा हूँ, द्वैतवाद की भी शुरुआत की थी, ठीक है ना। द्वैतवाद की शुरुआत इन्होंने की थी। अब बताइए आप इनका क्या नाम है? बर्नहार्ड वारेनियस। बर्नहार्ड वारेनियस इनका नाम है और 1622 से लेकर 1650 तक इनका समयकाल है। 1622 से 1650 आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 28 साल का इनका जीवन काल है, और फिर भी मैंने इनकी तारीफ कर दी। क्यों? मतलब मैं कौन होता हूँ करने वाला, मैं तो पढ़ रहा हूँ। इनकी इतनी तारीफ क्यों की गई है? बस 28 साल। लोगों ने, आपने देखा होगा, बुढ़ापे तक, मतलब आप जितना भी पढ़ के आए हैं, बुढ़ापे तक लोग पढ़ते पढ़ते काम करते करते मर गए, ठीक है, इतनी एज हो गई उनकी, लेकिन ये सिर्फ 28 साल के थे और इन्होंने कितना काम किया था, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इनको प्रेस किया जाता है। 28 साल की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने एक माइलस्टोन सेट कर दिया, ठीक है। ये अब 28 साल में इनकी डेथ हो गई तो इनको क्या कहेंगे? ही वॉज अ यंग ज्योग्राफर, युवा भूगोल वेत्ता थे। यंग ज्योग्राफर, ये एक युवा भूगोल वेत्ता थे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न ज्योग्राफी की स्थापना जैसे भी की गई आधुनिक भूगोल की, उसमें से ये भी एक थे। तो अगला पॉइंट होगा, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। शॉर्ट में लिख देता हूं, जियो, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी कि आधुनिक भूगोल वेत्ताओं में से एक ये थे, ठीक है। अब 28 साल की इनकी उम्र थी, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। इन्होंने दर्शन शास्त्र, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, यानी कि फिलोसॉफी, मैथ्स, फिजिक्स एंड कुछ बचा, बायोलॉजी एंड ऑब्वियस सी बात है ज्योग्राफी, ठीक है। अब क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो वैसा तो है नहीं कि इन्होंने ये चार ही चीज़ें पढ़ी हैं और हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी इनका इंटरेस्ट था, ठीक है। तो इन्होंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली। आई थिंक इनके पास फोन नहीं था ना उस समय, वरना ये भी कुछ काम में बिजी होते, ठीक है। बुक्स की बात की जाए तो इनकी बुक्स, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद बुक्स के बारे में बात करते हैं। बुक्स, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड शियाम। अब श्याम की स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता इंग्लिश क्या है। मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता नहीं चल पाई कि क्या इंग्लिश है, तो मैंने अपने हिसाब से जो बनाई है वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या है? ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान पहली बुक है, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड श्याम लिख दिया है मैंने। हो सकता है एस से स्पेलिंग हो, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि स्पेलिंग क्या है, ठीक है। 1649 में ये किताब आई थी, 1649 में आई थी और 5 पार्ट में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड श्याम। अगली किताब है ज्योग्राफिया जनरलिस, जियोग्राफिया जनरलिस, ठीक है। ये किताब कब आई थी? 1650 में आई थी।
1650 में आई थी। ये इनकी दो मुख्य किताबें हैं। अब इनको याद रखिएगा, पहली किताब दूसरी किताब। पहली किताब ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड शियाम, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट, 1650 में आई थी। दो किताबें बताई हैं। अब क्यों बता रहा हूँ ये, अब आगे आपको रिकॉल करना पड़ेगा इनकी किताब कौन सी थी, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ याद रखिएगा पहली और दूसरी कौन सी किताब थी। ठीक है, आगे चलें। तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, ये जो सबसे अच्छे भूगोलवेत्ता है ना, उनमें से एक थे। ही वॉज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज के ज्योग्राफर कह रहे हैं। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ज्योग्राफर, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ज्योग्राफर। उसके अलावा इन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, आपने देखा मैथ, फिजिक्स, बायो, ठीक है, ज्योग्राफी, बट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसी और चीज में भी है, जैसे कि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कार्टोग्राफी, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कार्टोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कार्टोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब आता है वो मेन काम जो इन्होंने किया, जिसके लिए इनकी सराहना की जाती है, जिसकी वजह से ये सेलिब्रिटी बन गए, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इसको भी रफ कर देते हैं, थोड़ी जगह खाली हो जाएगी। देखिए, ज्योग्राफी को इन्होंने डिवाइड कर दिया, ज्योग्राफी को इन्होंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। पहला पार्ट था जनरल ज्योग्राफी एंड दूसरा था स्पेशियल ज्योग्राफी, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेशियल ज्योग्राफी, तो दूसरे शब्दों में इसको बोला गया सिस्टमैटिक एंड इसको कहा गया रीजनल, यानी कि प्रादेशिक भूगोल। सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा क्या था, रीजनल भूगोल, ठीक है। और ये क्योंकि द्वैतवाद इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, तो ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ डाइकोटॉमी या डायटॉमी जो भी बोलते हैं, देखिए। अब ये द्वैतवाद क्या होता है इसको समझाने के लिए आई विल अपलोड अनदर वीडियो, ठीक है, क्योंकि इसमें ही समझाने लगूंगा तो बड़ा हॉचपॉच हो जाएगा, फिर रास्ते से भटक जाएंगे, ठीक है। तो आप बस ये देखो कि इन्होंने द्वैतवाद यानी कि डायटॉमी की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ डायटॉमी कहा जाता है। और डायटॉमी किसके बीच में, आखिर कौन सी दो विचारधाराएं थीं, एक विचारधारा ये, दूसरी विचारधारा ये, इन दोनों के बीच में द्वैतवाद की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, ये कौन सी किताब में दिया गया, अब आपको मैं कह रहा हूं कि जो इनकी दूसरी किताब थी, याद है आपको मैंने आपसे कहा था कि पहली और दूसरी किताब याद रखिएगा। इनकी जो दूसरी किताब थी ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट, जो 1650 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट उसमें इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया। किस तरह दिया, अब आप यहां पर फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जनरल एंड स्पेशल, अभी आपको बताया मैंने, जनरल एंड स्पेशल, ठीक है। अब यहां पे जनरल को इन्होंने यूनिवर्सल ज्योग्राफी कहा है। यूनिवर्सल मतलब जिस टॉपिक को आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स पूरे विश्व में है, समंदर पूरे विश्व में है, प्लेन्स पूरे विश्व में है, ठीक है ना, छोटा नागपुर प्लेटो सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ज्योग्राफी यानी कि आप इसको पूरे विश्व पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक। दूसरा इन्होंने बताया स्पेशल ज्योग्राफी। स्पेशल ज्योग्राफी को इन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी तो कहा ही था, साथ ही सिस्टमैटिक के अलावा इसको पर्टिकुलर बोल दिया इन्होंने। पर्टिकुलर मतलब
देखो स्पेशली किसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि एक कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, और हम एक कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, जर्नल ज्योग्राफी, जर्नल डिस्कशन है कि हम छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल ज्योग्राफी या पर्टिकुलर ज्योग्राफी क्या है, जब हम उसी कक्षा के किसी एक बच्चे के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हिमांशु नाम का कोई स्टूडेंट है, पहले हम क्या कर रहे थे, सबके बारे में बात कर रहे थे कि विद्यार्थी ऐसे हैं, इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हिमांशु आप खड़े हो जाओ, अब हम हिमांशु के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं, इनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। जर्नल ज्योग्राफी यानी कि इन जर्नल बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी एक जगह के बारे में बात हो रही है, किसी एक विषय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जर्नल को ही इन्होंने यूनिवर्सल कहा है, ठीक है, जिसको आपने पहले देखा था सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में, और स्पेशल को इन्होंने पर्टिकुलर या रीजनल ज्योग्राफी कहा है। अब जर्नल ज्योग्राफी जो है उसके इन्होंने तीन पार्ट किए हैं, ठीक है। अब उसको हम कैसे, देखो अब इसको आप याद रखिएगा, जर्नल एंड स्पेशल, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहां पर देखिए जर्नल ज्योग्राफी, इसके इन्होंने तीन पार्ट किए, एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव एंड तीसरा है कंपरेटिव, ठीक है। अब ये तीन पार्ट इन्होंने कर दिए, तो इन तीन पार्ट में आखिर पढ़ा क्या जाएगा। तो जो हमारा एब्सोल्यूट पार्ट है ना, उसमें हम पढ़ेंगे अर्थ, क्या पढ़ेंगे, अर्थ। उसके अलावा अर्थ का एक्सटेंशन या एरिया या उसका विस्तार कितना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लैंड एंड वाटर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लैंड और वाटर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे माउंटेन, प्लेन, प्लेटूज, डेजर्ट, वेटलैंड, ये सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसमें पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्यूट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब हम रिलेटिव की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, देखिए प्लानिट्री फोर्सेस यानी कि ग्रही गतियां, ठीक है, ग्रहीय गतियां, क्या अजीब सा निकल रहा है, ग्रहीय फोर्सेस, प्लानिटरी फोर्सेस या ग्रह की जो गतियां होती हैं। अब फोर्सेस को तो आप बल कह सकते हैं, फोर्स हटा लेते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट, प्लानिटरी मूवमेंट जो होता है ना, पृथ्वी दो तरह के मूवमेंट करती है, एक परिक्रमण, एक कौन सा करती है, ध्रुवीय, ठीक है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, देखो हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, दो तरह की गतियां होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। उसके अलावा प्लानिटरी मूवमेंट हो गया, सन एंड अर्थ का रिलेशन, सन एंड अर्थ का रिलेशन। उसके अलावा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक, हम रिलेटिव पार्ट में। अब आ जाते हैं कंपरेटिव पार्ट में, सरफेस की अलग अलग जगहों की तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन वेरियस प्लेसेस ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस की अलग अलग जगहों के बीच में तुलना करना, ठीक है ना। अब अलग अलग जगहों के साथ हम वहाँ की जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो कल्चरल फीचर्स हैं, उनके बारे में भी कंपैरिजन करेंगे, फिजिकल एंड कल्चरल
फीचर्स, इनके बारे में भी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी इन्होंने जनरल ज्योग्राफी डिवाइड किया, ठीक है। जनरल ज्योग्राफी के अलावा इन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, जनरल को ही सिस्टमैटिक कहते हैं, इन्होंने जनरल ज्योग्राफी डिवाइड किया, उसके अलावा स्पेशल ज्योग्राफी डिवाइड किया, ठीक है। तो जनरल ज्योग्राफी के इन्होंने तीन पार्ट बताए, एब्सोल्यूट पार्ट, रिलेटिव पार्ट, कंपैरेटिव पार्ट। एब्सोल्यूट पार्ट में अर्थ, एक्सटेंशन, लैंड, वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, माउंटेन, प्लेन, प्लेटो, डेजर्ट, वेटलैंड, ये सारी चीज़ें। रिलेटिव में प्लानिटरी मूवमेंट, रोटेशन, रेवोल्यूशन या और भी ग्रहों की जो होती हैं वो, सन अर्थ में रिलेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। कंपैरिजन में अलग अलग जगहों की तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन वहाँ के फिजिकल फीचर्स का भी हो सकता है, कल्चरल फीचर्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल ज्योग्राफी की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल ज्योग्राफी की। अब हम बात करेंगे स्पेशल ज्योग्राफी की। इसको भी इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया। मार्कर चेंज कर लेता हूं। इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला था सेलेशियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा था टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, एंड ह्यूमन प्रॉपर्टीज। वैसे तो आप नाम से ही समझ सकते हैं सेलेशियल बॉडीज, यानी कि यहाँ पर ब्रह्मांड की बात हो रही है। ब्रह्मांड में जो सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। टेरेस्ट्रियल बॉडी की या टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, हेवनली बॉडीज, नाम से ही पता चल रहा है, इसको याद करने में आसानी है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में क्या है, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज, ये सारी चीजें आएंगी हमारी टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा फॉरेस्ट, डेजर्ट, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, डेजर्ट, एनिमल्स, यानी कि फ्लोरा एंड फाउना दोनों के बारे में। इन सारी चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारी ह्यूमन प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम क्या करेंगे, ह्यूमन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रेड, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है, ट्रेड, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीजों के बारे में हम ह्यूमन प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, ठीक है। तो जनरल ज्योग्राफी में आपने देखा कि उसमें हमने बात की थी एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड कंपैरेटिव पार्ट की। स्पेशल ज्योग्राफी में हम बात कर रहे हैं सेलेशियल प्रॉपर्टीज, टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज एंड ह्यूमन प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में कि उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया है और किस तरह से उन्होंने द्वैतवाद को शुरू किया, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अब वैसे तो इनके बारे में सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन ये कितने बड़े ज्योग्राफर थे अगर आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं लग रहा है, तो एक बहुत फेमस ज्योग्राफर हैं जिनके बारे में मैंने आपको मीनिंग, नेचर एंड डेफिनेशन वाले वीडियो में बताया था, हार्टशोन, ठीक है, रिचर्ड हार्टशोन, इनको तो आप जानते हैं। इन्होंने बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में कहा था कि जो रीजनल ज्योग्राफी है ना, उस पर जो सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है रीजनल ज्योग्राफी पे, वो किसने लिखा है, बर्नहार्ड वारेनियस ने लिखा है। अगर आप नोट करना चाहें तो रीजनल ज्योग्राफीज
लॉन्गेस्ट बुक रिटन बाय वारेनियस। अब आप सोच लीजिए कि हार्टसोन ने कहा है तो जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके अलावा ये जो जर्नल ज्योग्राफी टर्म दिया था इन्हें, इन्होंने जनरल ज्योग्राफी, आगे चल के इस जर्नल ज्योग्राफी को इमैनुअल कांट एंड हम्बोल्ट इन दोनों ने इसी जर्नल ज्योग्राफी को बोला है फिजिकल ज्योग्राफी। आपको याद होगा अभी जब हम जर्नल एंड स्पेशल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे तो जर्नल ज्योग्राफी मैंने आपको कहा था यूनिवर्सल चीज़ें हैं, माउंटेन प्लेन पेटू जो कि सब जगह है आप पढ़ सकते हैं। तो आखिर माउंटेन प्लेन पेटू हम किस में पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में। तो वारेनियस ने जिसको जर्नल ज्योग्राफी कहा था, कांट और हम्बोल्ट ने आगे जाके उसी को फिजिकल ज्योग्राफी बोल दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई रेनेसा पीरियड की। रेनेसा पीरियड के टॉपिक में जो सबसे अंत में हम ज्योग्राफर को पढ़ते हैं वो है बर्नहार्ड वारेनियस, ठीक है।